गैस यार अभी सीन क्या हुआ कि यार बारिश है ना कुछ ज़्यादा ही हो गई है, और मजबूरी में यार अपने को जो गोप्रो है वो अब डालना पड़ेगा बैग के अंदर, क्योंकि यार मैं गोप्रो के साथ रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि मेरे पास यार वाटरप्रूफ केस नहीं है इसका गोप्रो का। तो कुछ ऊपर नीचे दिक्कत हो, गोप्रो ख़राब हो, तो उससे बढ़िया यार उसको अभी अपन अंदर ही रख लेते हैं। बाकी राइड तो अपनी कंटिन्यू रहेगी, थोड़े बहुत शॉर्ट्स अपन फ़ोन से निकालते रहेंगे, क्योंकि अपने पास आईफोन है मेरे पास भी, बल्ली के पास भी, रितेश भैया के पास भी, तो शॉर्ट्स जो हैं अपन निकालते रहेंगे। हालांकि फ़ोन है, फ़ोन में तो वैसे कोई इशू है नहीं अपने साथ। तो बाकी गोप्रो है यार, गोप्रो भी वाटरप्रूफ नहीं है अपना, क्योंकि अपने इसका जो केस है वाटरप्रूफ वाला वो निकाल दिया, क्योंकि मोटो ब्लॉग के लिए अपने को यार वो केस जो है वो अपने को हटाना ही पड़ता है मजबूरी में। तो अभी गोप्रो को है वो मैं अभी हटा देता हूँ यार, बाकी जब हम बानगढ़ पहुँच जाएंगे तब मिलूँगा यार आपसे। अभी रिक्स का मामला है यार, रिक्स नहीं लेना बनता, रोक रहा हूँ मैं तो गाड़ी बस। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे सीधा बानगढ़। तो वैसे यार अपन बानगढ़ फोर्ट जो है वो पहुंच चुके हैं, और अभी यार अपन एंट्री ले रहे हैं, बाकी पूरी टीम जो है अपनी अपने साथ ही है सारी की सारी, ये रही पूरी टीम। तो बाकी चलते हैं अंदर, देखते हैं यार क्या नज़ारा होने वाला है अंदर, पहली बार जा रहा हूँ पता पता नहीं भाई। हालांकि कहानी बहुत सुनी है इसकी कि यहाँ पर भूत वगैरह जो है वो हैं, अब चल के देखते हैं भैया कौन सा भूत है, आज तक तो अपन ने तो कभी माना नहीं इन चीज़ों में। बाकी चलते हैं और देखते हैं क्या होता है अंदर। ये घर अपने सोनू भाई, सोनू भाई व्लॉग बना रहे हैं, ये टीम है अपनी, और ये अपना यहाँ का किला है। अभी अंदर जाएंगे यार, अंदर जाने के बाद यार टिकट लगेगी, अब देखते हैं ना चल के कितनी टिकट लगती है। तो ये सीन है, और ये बंदर ही बंदर है यहाँ पे। एक बंदर वो झूल रहा ऊपर कते जिंदा, सही है। ये बंदरों का झुंड है यहाँ पे, जिंदा बंदर। वो टिकट काउंटर है वहाँ पे, अभी टिकट वगैरह ले रहे हैं रितेश भैया और सारे वहाँ पर ही अभी। तो गाइस यार अपनी एंट्री हो चुकी है यार, और यहाँ पे जो टिकट है ना यार वो ज़्यादा महंगी नहीं, बहुत सस्ती सी टिकट है, सिर्फ मात्र 25 रुपये की एक पर्सन की, और पेमेंट जो है वो ओनली कैश होगा यहाँ पे, पेटीएम फोन पे स्वैप वगैरह दोनों है। अगर कैश लेस करेंगे ना हाँ, 25 रुपये कैश में है तो 25 रुपये ऐसे उल्टा है। अच्छा तो लोगों ने गलत टिकट ले ली, मतलब कैश पे करोगे तो भैया आपको 25 रुपये देने पड़ेंगे, और फोन पे पेटीएम करोगे तो आपको 20 रुपये देने पड़ेंगे। वाह भाई पहली बार सुना है सिस्टम वैसे तो, बल्कि पढ़ा नहीं है, बिना पढ़े ले ली इन्होंने। तो वही तो सीन है, इन्होंने पढ़ा भी नहीं अपने लड़कों ने, और अपन भी थोड़ा पीछे थे ब्लॉग बनाने में थे। और यहाँ पे यार एक कानूनी एक चीज़ है, यहाँ पे आप कोई भी नशीली चीज़ नहीं ला सकते, और यहाँ पे ड्रोन उड़ाना भी मना है। तो गलती से भी यार यहाँ पे बानगढ़ पे ड्रोन मत उड़ाना, ये तो ड्रोन जब्त हो जाएगा। ड्रोन वैसे मैं लेकर आया हूँ, बट क्या करें अब मजबूरी है, नहीं उड़ा पाएंगे। बाकी देखते हैं यार आगे क्या होता है, कैसे कैसे अपने को व्यूज़ जो है वो दिखने वाले हैं। वैसे तो अभी पीछे यार बहुत कोहरा ही कोहरा हो रहा है, मैं आपको फोकस करके दिखा देता हूँ। ये सीन है यार बैकग्राउंड का, कोहरा बहुत है, और पीछे यार अपने को धुआं ही धुआं दिख रहा है चारों तरफ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को यहाँ की। बाकी चलते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है आज। तो गाइस यार ये अंदर एंट्री का यार वो है, और मे भी शायद वो फोर्ट है पीछे जो है। बाकी अब चलते हैं देखते हैं, और ये हर्ष और तनिष दोनों भाई चलते हैं यार देखते हैं। व्यू जो है यहाँ का बहुत सही व्यू है, एक वो भी है वहाँ पे, अगर जाना हो सकता है तो वहाँ पर भी चलेंगे अपन। बाकी अभी चलते हैं देखते हैं कहाँ जाना होता है। और रितेश भी है और बाकी की टीम यार आगे है, बल्ली और ड्यूड बंदा जो है वो पीछे है यार। भाई पहला फोर्ट है जहाँ पे चढ़ाई नहीं है, तो दिल को सुकून मिला इस चीज़ को लेके। और सोनू भाई यार फोटो शूट में बिजी हैं अभी, फ़ोटो क्लिक वगैरह करा रहे हैं, और अपने को इतना शौक है नहीं यार फ़ोटो क्लिक कराने का। ये व्यू है, व्यू काफ़ी सही है यार, एक नंबर व्यू भाई। अगर यहाँ पे गाड़ी अलाउ होती ना यार
भाई एक से एक फोटो साथ यहाँ पे, एक से एक यहाँ बीच में गाड़ी खड़ी करके फोटो क्लिक कर रहा था मैं तो आड़ी लगा के। ये है यार कुछ यहाँ पे बने हुए हैं, आगे चलते हैं आगे और देखते क्या सीन होता है। हाँ। क्या हो गया, बाहर निकाल लिया धक्के मार के? ओहो तो गाइस ये है यार फोर्ट। अब यहाँ पे यार अपन सीढ़ियाँ चल लेंगे, सीढ़ियाँ चढ़ के अपने को ऊपर जाना पड़ेगा। और ये यहाँ से व्यू यार और भी काफ़ी यार सुंदर दिख रहा है मेरे को, और काफ़ी यार बाणगढ़ काफ़ी सही है। रितेश भैया ने बोला भैया अपने तो यहाँ से फ़ोटो क्लिक कर लो, आ गए अपन बाणगढ़, बस इतना ही बहुत है अपने लिए, ये नहीं सुधरने वाले। मैंने इनको बोला भैया यू कैन डू इट, बोले नहीं भैया अपने को नहीं करना। ये भी फर्जी आदमी, इसने बोला भैया कल मेरा इवेंट है, अपने बस की नहीं है, इसका चलना ना चलने के बराबर है। अरे वाह, तो अब कुछ बोल नहीं सकते भैया, अब अपन ही चलते हैं अकेले, क्या करें। बाकी जो टीम है यार वो पहुंच चुकी है ऊपर, सोनू भाई वगैरह पहले ही पहुंच गए, नीचे छोड़ गए हमको। बाकी चलते हैं यार देखते हैं क्या सीन मिलता है अपने को देखने का। बाकी ये पैलेस है यार, ये एंट्री गेट है, यहाँ से दो किले बने हुए, पता नहीं किस चीज़ के लिए बने हुए हैं, अपने को कुछ नॉलेज नहीं है इसके बारे में। बाकी डिटेल्स वगैरह जो अगर होगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी चलते हैं यार ऊपर, आप वीडियो का मजा लो, मैं डायरेक्ट मिलता हूँ आपसे सीधा ऊपर। तो यार गाइस यहाँ पे यार चढ़ाई आ गई, हालांकि गाड़ी तो अपन आराम से ला सकते थे, बट अंदर लाना अलाउ नहीं था यार, अलाउ होता तो और भी ज़्यादा मज़ा आता, बट किस्मत के मारे क्या करें, तो कुछ कर भी नहीं सकते, ना कुछ बोल सकते हैं, और बेसबाजी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अरे भाई ये कैसी चढ़ाई है, आई कांट डू इट, बहुत गंदी चढ़ाई है रितेश भैया, तो हमें भैया बोल जाएंगे। चढ़ाई चढ़ने के बाद मिलता हूँ मैं आपसे। तो गाइस रितेश भैया आ चुके हैं, रितेश भैया को अभी हमने ये जो वाली चढ़ाई थी ये चढ़ाई दिखाई, तो रितेश भैया का जवाब सुनते हैं। रितेश भैया क्या कहना चाहोगे आप? मैं चढ़ाने की जरूरत नहीं थी मुझे, कांट बी वल्गर ऑन दिस। चलो तो व्लॉग में जाएगा ये, जीत के आगे हारे, चलो तो व्लॉग में जाएगा। उल्टा ही चल रही है गाड़ी, नहीं चलेगा नहीं। चलेगा कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आएगा ये सब कम करवा देंगे, ये सब कम करवा देंगे। चल फोन लेने आए हैं, चलो यार चलते जल्दी से अंदर, ऊपर चढ़ते चढ़ा जाता है, देखते क्या सीन होता है। जाएंगे तो फिर मैं भी जाऊंगा साथ में, ये भाई बंदे नहीं है इसके लिए। बाबू एक्सपोज कर दो, धीरे धीरे आना यहां पे, देख लो रितेश भैया को पीछे से टोचिंग करना पड़ रहा तब जाके चढ़े वो। बस की ना है बस की, कल काम है भाई, खूब बाबू ले लेगा। तो यार ऊपर आया ना यार, यहाँ पे ऊपर यार एक तो पहले कबूतर बैठा हुआ है, और यहाँ पे पता नहीं है ये वाली खिड़की क्यों बना रखी है, एक ये है और एक ये खिड़की है, ये पता नहीं क्यों बना रखी है, कोई सेंस भी नहीं है इस बात का, समझ में नहीं आया सिस्टम क्या ही क्या है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ऐसे खुले हुए खोल रखा है इनको, कहीं पे रास्ता निकलता हो तो चीज समझ में भी, यहाँ पे यहाँ तो शुरू होते खत्म है। और रितेश भी अभी फोटो वगैरह क्लिक कर रहा है, और ये है किला वगैरह, अभी और भी चढ़ के जाना है क्या यार, खत्म हो गया, चले आप घर पे चले यार। अरे उसको बोल दो आलू के परांठे, कौन से परांठे?
आर सेट टू गो। खाना पीना हो गया है हमारा बढ़िया से। तो गाइस फाइनली यार अपनी जो राइड थी यार वो कंप्लीट हो चुकी है भानुगढ़ की। तो यार इसकी जो डिटेल्स वगैरह हैं वो मैंने अभी आगे जो फोटो है यार उसके अंदर वीडियो के अंदर ऐड कर दी है। तो आप जाके फटाफट यार उसको पोस्ट करके आप उसकी जो डिटेल्स वगैरह है वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो एंट्री फीस है वो अगर आप कैश करते हैं तो आपको 25 रुपये करने पड़ेंगे, अगर ऑनलाइन करते हैं फ़ोनपे पेटीएम वगैरह तो आपको 20 रुपये पे करनी पड़ेगी। बाकी यार अंदर से व्यू वगैरह जो है वो बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। मैं चाहूँगा कि यार कोई भी जो भी बल्ली मेरी जो वीडियो देख रही है वो आप एक बार ज़रूर विजिट करें, बहुत बढ़िया लोकेशन है, फोटोशूट के लिए बहुत प्यारी लोकेशन है। तो गाइस ये थी यार अपनी भानुगढ़ राइड की वीडियो। तो इस वीडियो को मैं कर देता हूँ यहीं एंड। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, पास में बेल आइकन आ रहा है उसको दबाओ जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ ड्राइव, सेफ राइड एंड ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। बाय।